हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर आप सबके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ, नई रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ, जिसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो है क्या, ये जो वीडियो है ये UPSC में जो असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड के फॉर्म निकले थे, ठीक है, उसकी एक बार उसका फॉर्म क्या बोलते हैं बंद हो चुके हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, जो वो है अब दोबारा से रीओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो जो उसकी 10,000 समथिंग पोस्ट निकली हुई थी, उसके बारे में ये डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ। UPSC असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड ऑनलाइन फॉर्म 2018 रीओपन, ठीक है फ्रेंड्स। इसके ये जो पोस्ट का नाम है वो है LT ग्रेड असिस्टेंट टीचर UP में, UPSC, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आर इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कम्प्लीटली ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बिफोर यू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज रीड फुल नोटिफिकेशन। इनका कहने का मतलब ये है कि अप्लाई करने से पहले आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ जरूर लीजिए, ठीक है। और इसके आगे डिटेल में चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स, जो पहले स्टार्ट हुई थी एप्लीकेशन वो 15 मार्च को हुई थी स्टार्ट, लास्ट डेट थी इसकी 16 मई, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट थी फीस पे करने की वो थी 12, ठीक है। और अब इसकी जो रीओपन हो रही है दोबारा से, तो उसकी मैं आपको बता देता हूँ डेट क्या है। ये 4 जून से इसकी रीओपन स्टार्ट हो चुके हैं इस फॉर्म के, लास्ट डेट रहेगी इसकी 14। आज 11 है, 3 दिन अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इवन आज का भी पूरा दिन है, 4 दिन है। लास्ट डेट कम्प्लीटेड फॉर्म 16/4/2018, ठीक है। तो इसको 14 तक आप अप्लाई कर सकते हो। एडमिट कार्ड इसके अवेलेबल हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। वैकेंसी डिटेल आपको बता देता हूँ, 10,768 वैकेंसी हैं इसमें। एप्लीकेशन फीस में जो चार्जेस क्या हैं वो जनरल OBC के लिए ₹125 हैं, SC ST के लिए 65, फिजिकली हैंडीकैप के लिए ₹25 हैं। और ये जो पे करने हैं आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी ई चालान के थ्रू आप इसे पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। पहले तो बात करते हैं मेल की, तो मेल की जनरल कैटेगरी के लिए हैं 2680, OBC के लिए 1451, SC के लिए हैं 1133, ST के लिए हैं 100। टोटल होगी ये मेल के लिए 5364 पोस्टें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल की है 2704 जनरल के लिए, 1456 OBC के लिए, 1136 SC और 108 ST के लिए हैं। फीमेल के लिए थोड़ी पोस्टें ज़्यादा ही हैं इसमें हर एक कैटेगरी के लिए, तो टोटल होगी इसकी 5404, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट का नाम, जो आपको बता देता हूँ, टीचर LT ग्रेड है, मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्टें 5364 मेल के लिए हैं, 5404 फीमेल के लिए हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, बैचलर डिग्री इन रिलेटेड पोस्ट सब्जेक्ट मस्ट अवेलेबल इन डिग्री लेवल, बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो सब्जेक्ट की वो है। और इसका मतलब यही है कि जो सब्जेक्ट के आप टीचर लगना चाहते हैं उसका जो है आपको बैचलर डिग्री में अपना पढ़ा होना चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए साथ में BEd एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। और एज की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2018 पे की जाएगी, 1 जुलाई 2018 को एज ना तो 21 से कम और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा बेस्ड ऑन रिटर्न एग्ज़ाम, आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके भी यहाँ पे आपका मेरिट बनेगी और साथ में आपका इंटरव्यू के नंबर को काउंट किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी अपडेट, ये जो UPSC में LT ग्रेड के टीचर वैकेंसी निकली थी वो दोबारा से रीओपन हो रही है। जो जिन्होंने नहीं भरा वो दोबारा से इसे अप्लाई कर सकते हैं, अभी 4 दिन पड़े हुए हैं इसके लिए। तो दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ थैंक यू।